तो चलिए फिर हम लोग ट्रफल बनाते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे हम ले लिए हैं ट्रूफल बेस जो कि चॉकलेट का है और ये रिच कंपनी का है, ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं। आपके पास जो कंपनी का अवेलेबल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं चॉकलेट क्रीम का। और इसका मतलब पूरा मेल्ट कर लेना है, इसमें मेरा थोड़ा आइस है लेकिन आप अगर हो सके तो पूरा मेल्ट होने दीजिए उसके बाद डालिए, ठीक है। थोड़ा बहुत आइस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो मेल्ट हो ही जाएगा। और इसे हम माइक्रोवेव में बनाएंगे, ठीक है, ये जेल के डब्बा में हम ले लिए हैं इसको, ठीक है, क्योंकि गैस हम लोग के पास में यहाँ पे रहता नहीं है, जो भी है माइक्रोवेव में करना पड़ता है। तो इसको हमें टाइम सेट कर देना होगा कम से कम 20 से 25 मिनट, जब तक ये पूरा अच्छे से उबल ना जाए। अगर 20-25 मिनट में नहीं होता है तो फिर इसको और टाइम हम बढ़ा देंगे आगे, लेकिन देखते हैं। तब तक हम चॉकलेट तोड़ करके रख लेते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि वो अभी तो उसमें टाइम लगेगा ना 20 से 25 मिनट। तो देख सकते हैं मोडे का हम चॉकलेट लिए, ठीक है, अगर आपके पास मोडे का कंपनी है मिलता है तो आप इसका भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई दूसरा भी अगर डार्क चॉकलेट होगा डार्क कम्बन तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें वो 2 kg का पैकेट था मेरा जो मैं बना रहा हूँ, वैसे तो 2 kg का अगर क्रीम है तो 1 kg डालना है, ठीक है, लेकिन इसमें हम 1/2 kg एक्स्ट्रा डालेंगे। वो इसलिए डालेंगे क्योंकि क्योंकि अभी थोड़ा गर्मी का मौसम है ना, तो गाढ़ा ही रहता है तो अच्छा रहता है, नहीं तो फिर केक से स्लिप होकर के फिर वो क्रीम दिखने लगता है और थोड़ा गाढ़ा रहेगा तो पूरा फुल ब्लैक दिखेगा, केक भी देखने में अच्छा लगेगा, इसलिए 1/2 kg एक्स्ट्रा डाल देंगे। जो ठंड का मौसम होता है उस टाइम पे आप 2 ही पैकेट यूज़ करें, जो कि 2 kg पे 1 kg चॉकलेट, ठीक है, तो उतना ही अच्छा रहेगा। तो चलिए इसको पैकेट से निकाल के इसमें बाउल में हम डाल देते हैं, ठीक है, पूरा। उसके बाद तब तक मेरा उधर वो चॉकलेट गर्म हो रहा है। और एक चीज़, अगर आपके पास में जैसे भाई ये जो हमारा ट्रूफल बेस है, बहुत से लोगों का फिर कमेंट भी आएगा वीडियो, मेरे को पता है कि ये चॉकलेट क्रीम मेरे पास नहीं मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो मार्केट में अमूल क्रीम मिलता है ना, अमूल फ्रेश क्रीम, आप उससे भी बना सकते हो। पहले हम लोग उसी से बनाते थे, अब अगर ट्रूफल बेस हम लोग पास आने लगा तो ट्रूफल बेस का यूज़ करने लगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे भी बना सकते हो। और अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो जो व्हिप क्रीम रहता है रिच क्रीम जिससे हम लोग केक बनाते हैं, आप उससे भी बना सकते हो, थोड़ा लेकिन अच्छा नहीं रहता है, अमूल क्रीम का अच्छा रहेगा और प्लस ये ट्रूफल बेस का तो और भी अच्छा रहेगा। अगर मिलता है कोई भी कंपनी का, ज़रूरी नहीं कि आपका रिच का ही हो, कोई भी कंपनी का अगर मिलता है तो आप यूज़ करके बना सकते हो उसका। तो चलिए ये हो गया, मेरा चॉकलेट तोड़ के रख लिया मैं इसमें, अब इसको देखते हैं एक बार मेरा कितना गर्म हुआ है निकाल करके, क्योंकि बाहर से पता चलता नहीं है उबल रहा है नहीं उबल रहा है, तो एक बार खोल करके देख लेते हैं, ठीक है, और ज़रूरत पड़ेगा इसको मैं फिर से अंदर डाल दूंगा, गर्म है इसलिए आराम से पकड़ना पड़ेगा। तो अभी ये मेरा थोड़ा और उबलेगा, ठीक है, अभी कम है, थोड़ा और गर्म करना पड़ेगा, तो 5 मिनट इसको हम फिर से लगा देते हैं गर्म होने के लिए। और अगर आपके पास अगर माइक्रोवेव नहीं है तो आप गैस पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गैस आपको धीरे रखना पड़ेगा पूरा और स्लो, और फिर पूरा टाइम फुल टाइम चलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो उसमें जलने का प्रॉब्लम रहता है। माइक्रोवेव में तो जलने का कोई सिस्टम ही नहीं है, लेकिन अगर आप गैस पे करते हो तो उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन आपको चलाते रहना पड़ेगा नहीं तो जल जाएगा, फिर चॉकलेट जल जाएगा पूरा ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा पूरा चॉकलेट बॉयल हो चुका था, ठीक है, अब इसमें हम डाल देते हैं, गर्म है तो नैपकिन से पकड़ के डाल रहा हूँ इसको, स्लो स्लो डालना पड़ेगा नहीं तो फिर सब बाहर आ जाएगा, अगर ज़्यादा डाल दिया एक ही बार में तो पूरा चॉकलेट बाहर आ जाएगा, इसलिए धीरे धीरे करके डालें अगर आप भी अगर कभी बनाते हो तो। और वैसे एक चीज़ और बात, ठीक है, सबका बनाता लोग ट्रफल ही है लेकिन किसी किसी का अलग अलग तरीका रहता है, ठीक है, तो अब एक एक चीज़ में लोग बोलता है ना कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो हम बता रहे हैं, ठीक है, सामने वाला क्या यूज़ कर रहा है उससे मुझे मतलब नहीं, तो ये भी मैं वीडियो में क्लियर कर दे रहा हूँ पहले ही। अगर कोई बोले कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा बनता है तो नहीं, सामने में बना रहा हूँ और यही वाला मैं यूज़ भी करूँगा, ठीक है, तो जो मैं बना रहा हूँ हम बेकरी में जो हम लोग बनाते हैं वो मैं अपना दिखा रहा हूँ अपना रेसिपी, ठीक है, सामने वाला मेरा क्या बना रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप लोग को कभी ट्राई करना हो तो एक बार आप ऐसे ट्राई करके देखो, आपका भी ट्रफल बहुत मस्त रहेगा। और आप लोग तो केक में देखे ही हो हम लोग का कितना शाइनिंग रहता है केक और फुल ब्लैक रहता है। तो इसको अच्छे से पूरा मिक्स करना पड़ेगा कम से कम 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक, जब तक ये आपका जो भी चॉकलेट है दाना दाना वो पूरा मेल्ट ना हो जाए, ठीक है, उसमें एक भी दाना नहीं बचेगा, बस स्लो स्लो धीरे धीरे ऊपर नीचे से पूरा हिलाते रहिए इसको, मिक्स करते रहिए, ठीक है, फिर वो अच्छे से मिक्स होगा और जैसे जैसे ये मिक्स होता जाएगा धीरे धीरे ये अपना कलर आ जाएगा, ठीक है, अभी तो ब्राउन दिख रहा है ना, ऑटोमेटिक देखिए धीरे धीरे हो रहा ना पूरा ब्लैक दिखने लग जाएगा ये, तो इसलिए अच्छे से मिक्स कीजिए। और एक चीज़, छानने वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, बहुत से लोग होते हैं ना ट्रफल बना के छान दो, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग ट्रफल छानते नहीं, आप देख सकते हो फुल ब्लैक हो चुका है और
इसमें हम लोग का एक भी दाना नहीं रहता, बस डायरेक्ट इसको एक दिन छोड़ देंगे और नेक्स्ट डे से इसको फिर से गर्म करके नॉर्मल और फिर यूज करना हम स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ और, बहुत से कमेंट से ये भी रहता है कि ट्रफल हम कहाँ पे रखें, ठीक है फ्रिज या बाहर? तो ट्रफल को फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, केक बनाने के बाद आप फ्रिज में रख सकते हो, अभी आपका बन जाता है तो आप बाहर ही स्टोर करें, ठीक है फ्रिज में आप नहीं रखें इसको, ये बाहर ही आपका कम से कम 10-15 दिन तो ऐसे भी चल जाएगा आराम से, कुछ भी नहीं होता है, बस ढक के रखें और फिर इसका जब आपको ज़रूरत लगता है आप यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसकी रिकॉर्डिंग अगर कुछ भी आपको पूछना होगा या फिर कुछ डाउट है तो हमें आप इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं, सुनील केक मास्टर के नाम से है, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जो भी प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम ही डायरेक्ट लिखें। और नेक्स्ट कभी एक बार और फिर से मैं ट्रफल बना के आपको दिखाऊंगा, जो मैं चॉकलेट गार्निश बनाते हैं और उसका जो साइड का चॉकलेट्स बच जाता है उसको हम ट्रफल में कैसे यूज़ करते हैं, तो वो भी वीडियो में, अगर अभी नहीं लेकिन कुछ टाइम बाद वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि जो हमारा एक्स्ट्रा चॉकलेट बच जाता है उसको हम यूज में कैसे लें, वेस्ट ना हो इसलिए। तो चलिए, आज का हो गया ट्रफल मेरा कंप्लीट, ठीक है। कैसा लगा आपको ये रेसिपी, या फिर आप अगर कभी ट्राई करते हैं तो फिर कमेंट में आकर के बताइएगा हमें ज़रूर। तो चलिए, आज हम ट्रफल आपको बना करके दिखा दिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नए रेसिपी के साथ में, नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।